जीना इसी का नाम है। आज के हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने इतने खूबसूरत नक्श उभारे हैं कागज़ पर, कैनवस पर, और इस कदर दिलकश रंग बिखेरे हैं कागज़ों पर और कैनवस पर कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, और जिनकी ख्याति जो है दुनिया में इसी वजह से जो है हर तरफ फैली हुई है। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी पर हम नज़र डालते हैं, जैसे कि अब डालने वाले हैं, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से नक्श ज़्यादा दिलकश हैं, कौन से रंग ज़्यादा दिलचस्प हैं, वो जो उनकी तस्वीरों में उभरते हैं या वो जो उनकी ज़िंदगी से निकलते हैं। इन सारी चीज़ों की कैफियत हम जानते हैं, इन सारी चीज़ों की तफसील अभी देखते हैं। पहले देखते हैं उनको यहाँ इस पर्दे पर। Probably the only man I know who's really and truly put his money where his paint brush is. He is most of the time absolutely unpredictable. Art jagat ka sabse kimti dastakhat. He is absolutely sincere and honest. Hamare mehman ke bare mein साहिबा कह रही थी कि ही इज एब्सोल्युटली अनप्रिडिक्टेबल। वी आर नॉट दैट अनप्रिडिक्टेबल। ही गोज स्ट्रेट टू सोनाली जी। जी, आप सब अब तक तो पहचान गए होंगे कि हमारे मेहमान कौन हैं। फारूक जी ने जिस कैनवस का जिक्र किया, जिन रंगों का जिक्र किया, उनमें से कुछ रंग बिखेरने वाले, कुछ रंग भरने वाले यहाँ भी मौजूद हैं, जो आज के मेहमान के बारे में बहुत सी बातें बताएंगे। तो मिले आज के मेहमान से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिलने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हुए जा रहे हैं। मैं दावत देता हूं कि तशरीफ लाएं स्टेज पे मकबूल फिदा हुसैन साहब। आइए साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जैसा कि हमारे कार्यक्रम की तर्तीब है कि हम पहले मेहमान की ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ यहाँ देखते हैं पर्दे पर, और उसके बाद फिर ढेर सारी बातें करते हैं। तो पहले यहाँ झलकियाँ देखते हैं। देखते ही जो है बहुत सारी बातें एक साथ करने को जी चाहता है, लेकिन तरतीब बार चलते हैं। एक पहले एक ग्राफिक देखते हैं, जिससे एक तस्वीर की, जिससे आपको कुछ यादें वाबस्ताएं आपकी, वो पहले देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये इंदौर में कोई 1930s में मैं साइकिल लेके पेंटिंग करने जाया करता था, लैंडस्केप ऑन द स्पॉट जी। तो ये उसका एक वो है, क्योंकि ये पेंटिंग मैंने की बहुत सी जो ऑटोबायोग्राफिकल हैं जी। पेंटिंग्स के अंदर मेरी कहानी मैं कह रहा हूँ, जिंदगी की, जिंदगी की। तो उसमें उसमें बताया मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ, लैंडस्केप पेंट करता था। और याद है कि ये मैंने पहली कोई स्ट्रेंजर एक अजनबी आके उसने देखा और कहा कि ये मुझे पेंटिंग पसंद आई है, जितनी छोटी थी, और कहा मैं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा लीजिए। जो आपको पहचानता नहीं था? बिल्कुल नहीं पहचानता था। इंदौर में एक गली, एक रास्ते में,
तो वो और मैंने उसी वक्त मेरे जेब में उसने 10 रुपये रख दिए और वो तस्वीर तो मेरी पहली तस्वीर 10 रुपये में गई। तो वो 10 रुपये की जो खुशी और जो एक बात थी जी वो आज के 10 लाख में नहीं आती। जी 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 जी, 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 जी। बिल्कुल सही। आपने इंदौर का जिक्र किया जहाँ आप बाद में आए थे, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि आपकी पैदाइश जो है महाराष्ट्र की। पैदाइश तो पंढरपुर में हुआ था, लेकिन मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 1.5 साल में था तभी, तो फिर सारी फैमिली इंदौर चली गई थी। अच्छा, तो मैं 2 साल की उम्र में इंदौर पहुंच गया था और वहाँ 17-18 वहाँ गुजारा और 20वें साल में मैं मुंबई आया। वो आपके बहुत अव्वल के दिनों के कुछ मुतालिकीन हैं जो आपसे बहुत करीब भी हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, फिर बात करते हैं। आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए शहबाज साहब, हम हुसैन साहब को बीच में रखे रहे, ये तो हुसैन साहब वो कह रही थी एक मोहतरमा के बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं भी चल देते हैं। आइए हुसैन साहब, आप बीच में रहिए। शमशाद साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। पहले इनसे शुरुआत करता हूँ कि शमशाद साहब, आपके ऊपर हुसैन साहब का कितना असर शुरू में कम से कम हावी रहा? शुरू में तो काफ़ी इंटरेस्ट था क्योंकि बचपन से देखते आ रहा था उनको काम करते हुए। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मैं बालकनी में खड़े रह के देखता था, तो शाम में आते थे पोस्टर्स बना के, बैनर्स, सिनेमा होर्डिंग्स, तो नीचे लैंप पोस्ट के पास जाके फिर वो अपना काम करते थे। आई वॉज सो इम्प्रेस देन कि सुबह से शाम वहाँ काम करके घर पे आके अपना खुद का कर रहे थे। तो एक वो मुझे उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और फिर कभी कभी इनके साथ चले जाता था सिनेमा पोस्टर बनाने से, तो मैं वहाँ बैठ कैसे स्क्रिबल करते रहता था। अब कभी कभी बात करते हैं हम लोग आर्ट के बारे में। शहबाज साहब, आपको इसका खैर शौक तो है और समझ भी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वक्त अपना जो है पेंटिंग या इस चीज़ में नहीं। What has been your impression of Hussain Saab as a father, first of all? He's a marvelous father. और मुझे बचपन की याद है, जहाँ कुछ मैं अच्छे कुछ काम करता था या कुछ पढ़ाई में कुछ अच्छे मार्क्स लेके आता था, मुझे खास एक जगह पे पाइदुनी पे ले जाया करते थे, वहाँ पे जाके दूधी का हलवा खाते थे हम लोग, दूधी का बैठ के, बड़ा मशहूर था और बड़े प्यार से खिलाते थे और अब तक हमारा शौक वैसे जारी है, अक्सर कहने के चटाखा लगा दे रहे थे। शहबाज साहब, अब कुछ तस्वीरें यहाँ देखते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। That's me. My 1-year-old. ये जो दाढ़ी की आपकी साइज में देखता हूँ कि घटती बढ़ती रही है, लेकिन दाढ़ी हमेशा नजर आई है, तो इसका मतलब व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द दाढ़ी सिस्टम? ये इतना गरीब है कि मैं पैदा दाढ़ी के साथ नहीं हुआ था। लेकिन दाढ़ी असल में ये रोज शेविंग करते रहो एक बड़ी लेजीनेस अजीब लगता है कि ये खामखा वक्त जाया करना, क्या छोड़िए। वेलकम बैक, हम बातें कर रहे हैं मकबूल फिदा हुसैन साहब से। हुसैन साहब, आपने बात की थी इंदौर की और उस जगह की जहां आप रहा करते थे, उस जगह से और आपके उन दिनों से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत का एक बहुत मोहब्बत भरा मैसेज आपके लिए है, हम वो मैसेज सुन लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। मकबूल हुसैन बेटा, कैसे हो? आपको याद है अपन नायकपुरे में रहते थे, बाद में तुम मुश्ताक अली के साथ नाले वाले मकान में खेलते थे, वहाँ से सामने स्कूल में जाते थे और आपके दादा अब्बा अब्दुल हुसैन साहब वो आपके वास्ते हर जुमेरात को हाट के अंदर से पूरा टोकरा भर के खिलौने लाते थे मट्टी के और आप उसको तोड़ते थे
और तोड़ तोड़ के उसको देखते थे क्या है। मकबूल हुसैन जी, अपना ख्याल रखना और कभी कभी मुझसे मिल ले आना। खुदा हाफिज। आपकी चाची साहिबा ने जिन चीज़ों का जिक्र किया और जिन लोगों का जिक्र किया, उन जगहों से कुछ जुड़ी हुई तस्वीरें देख लेते हैं और फिर हुसैन साहब और गुफ्तगू करते हैं यहाँ पर्दे पे। हुसैन साहब, ये जिस जगह की, खैर आपको तो बखूबी याद होगी जिस जगह की तस्वीरें हम देख रहे थे, और आपके ग्रैंडफादर जो थे, आपके दादा जो थे, जिनका जिक्र चाची साहिबा ने भी किया, वो आपको लेकर इस इमली के दरख्त के नीचे बैठा करते थे। वो दोपहर का स्कूल, प्राइमरी स्कूल था जी, वो दोपहर का खाना लेके आते थे और मेरे साथ बैठ के खाते थे। इस कदर प्यार करते थे मुझे, तो कभी इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं अकेले। आपका आपका वहाँ आना जाना कभी कभार रहता है? हाँ, डॉट क्योंकि और वहाँ मुश्ताक अली अब तक है, क्रिकेटर है, जो मेरे साथ थे स्कूल में जी, उनके हाथ में बैट था और मेरे हाथ में ब्रश। मुश्ताक अली साहब से बात करते हैं यहाँ। जब भी आप की याद आती है तो दिल भर आता है, दिल चाहता कि मैं आपके पास आऊँ और अपन दोनों बैठ के बातें करें। वो पुराना स्कूल, वो आपका पुराना पास का घर, जब अब याद आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परवरदिगार आपको 100 साल की उम्र दे, उससे भी ज़्यादा दे, और इसी तरह से आप हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। मुश्ताक अली साहब, खैर बहुत 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 मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, आपको कभी क्रिकेट का या ऐसी कोई गेम्स वेम्स का शौक़ नहीं रहा? क्रिकेट से मुझे सख्त नफरत है। बाकी ये गेम है जो सिर्फ अंग्रेजी ईजाद कर सकते हैं। जहाँ पर यानी एक सारा 5 दिन तक के एक बॉल को लेके 22 आदमी पीटे जा रहे हैं आ ही नहीं रहा। तो और क्रिकेटर्स की जिंदगी, उनकी लाइफ 10 साल 15 साल होती है। पेंटर चला जा रहा है 80 साल तक। वेलकम बैक मकबूल। फिदा हुसैन साहब से बातें हो रही। हुसैन साहब, आपने कहा कि जिसका जिक्र होता रहा कि आप इंदौर में जो है कोशिश करते रहे, आपके वालिद साहब ने भी सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी एग्री कर लिया और इनक्रेज भी किया, फिर जिक्र आया कि आप बम्बई आ गए। उस ज़माने में तो बम्बई ही था, तो बम्बई आने का आपको क्यों और कैसे सूझा? वो कहते हैं ना कि जब लोमड़ी की शामत आती तो शहर की तरफ जाता है। तो मैं बम्बई शहर आया, जहाँ 18 साल तक ना करता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो वो लेकिन अब वहाँ इंदौर में क्या हो सकता था, मेरे वालिद की नौकरी चली गई थी, तो उन्होंने कहा मुझे बॉम्बे जाने दीजिए। तो वो क्योंकि मुझे कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते थे, मैंने कहा देखा जाएगा, मैं जाता हूँ वहाँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल फिल्मी है कि एक सीरियल चलती रहती है और उसकी कई, जैसे वो हातिम ताई की तरह कई उसके एपिसोड्स हैं। तो सिनेमा होल्डिंग के लिए एक साहब थे, वहाँ गया
तो बोले आप ये मॉडर्न आर्ट यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो शक्लें बिल्कुल सब मिलना चाहिए यार, वो नहीं चल सकती कि एक आँख लगाने ना उधर जा रही है। तो मैंने शुरू किया छह आने रोज़ पर और वही जो क्या बोलते हैं फॉर्स रोड का जो जंक्शन है वहाँ वो बिल्डिंग अब तक है जुबली बिल्डिंग, तो उसके सामने फुट पेमेंट पर सोता था। और लेकिन ये ताजुब ये है कि अब तक कभी फ्रस्ट्रेशन या ऐसा नहीं हुआ कि क्या है ज़िंदगी, वो भी मुझे उसमें भी मज़ा आ रहा था। एक तो घर से निकले हैं इतना बड़ा शहर, तो एक वो एक और उसकी जो एक वो थी ये जो बोलते हैं ना दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, तो ये उसी उसी रंग में देखता रहा। और 18 साल तक के बिल्कुल गुमनाम कोई नहीं उजलता रहा उन दिनों की, बल्कि जब आप आए उससे कुछ वक्त बात की, कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर बात करते हैं। दोनों ही बिल्डिंगों से आपकी काफ़ी यादें जो हैं हुसैन साहब जुड़ी हुई, वो सुलेमान बिल्डिंग से भी और बदरबाग, क्योंकि यहाँ मुझे अपनी होने वाली बीवी मिली जी। उस गली के चौथ में एक बेवा एक और थी महबूदा बीवी, वो एक कमरे में रहती थी और मैं उसी गली के अंदर ये सिनेमा होल्डिंग पेंट किया करता था, तो वो देखा करती थी और उनको मुझसे बड़ा वो होगी दिलचस्पी कि तस्वीरें थी, बुरी तारीफ किया करती थी। अब उन दिनों थोड़ा सा पर्दा रहता था, तो उन्होंने कहा कि आप इधर उधर रास्ते कहीं घर नहीं है, आप यहाँ आके खाना खा लीजिए, मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी मदद मिलेगी, आपको भी घर का खाना मिलेगा। तो इस तरह से मेरा दाखिला हुआ एक किसी शरीफ घर में, वरना सड़कों पर रहता था। यहाँ तक कि उसी मोहल्ले के लोग मुझे वहाँ कहते थे ये रेड लाइट एरिया में रहता है, ये आवारा है, इससे अपने बच्चों को ना मिलने दो। तो ये जब आप वहाँ बैठ के पेंटिंग किया करते थे तो सबसे पहले आपको ये पोस्टर्स, जो उस ज़माने में भी फिल्म के पोस्टर बड़े बड़े मतलब ऊंचाई पे होते थे, तो ऐसा इट मस्ट हैव बीन अ डेंजरस जॉब ना उसे? हाँ बिल्कुल, एक दफा गिरना ये वो खतरा रहता था, गिर पड़ा था मैं। आप गिरे? गिरा था, फिर वो एकदम सेहत मेरी बहुत हो गई थी कि मैं, क्योंकि कुछ खाने के ठिकाने घर नहीं, और दिन रात क्योंकि फिल्में ऐसी आती थी कि आपको 5 दिन के अंदर 11 पोस्टर बनाना है, और वो 10-10 फीट के 20-20 फीट के, तो एक तो इतनी तेज़ी और मुआवजा मिलता था 4 आने पर स्क्वायर फीट, उसके अंदर लकड़ी आपकी, कपड़ा आपका, रंग आपका, तो रंग मैं वो तेल कहाँ से लाया महंगा, तो घासलेट यूज़ करता था मिट्टी का तेल वही लेके। उन दिनों की जबकि आप बात कर रहे हैं, एक आपकी साथी हैं उनसे मैं उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं। It's all surprises. I only came because you're on the show. आइए मिसेज अलकाजी, प्लीज़ तशरीफ लाएं। यहाँ बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। मिसेज अलकाजी हुसैन साहब को उन दिनों से जानती हैं जब हुसैन साहब वहाँ बदरबाग में रहा करते थे और उनके आस। मिस काजी, उन दिनों के हुसैन साहब आपको याद हैं कैसे थे? आई रिमेंबर वंस वी वेंट टू हिज हाउस, माई हस्बैंड एंड आई, एंड ही वाज लिविंग जस्ट इन वन रूम जी, एंड आई वंडर्ड वेयर ही वाज पेंटिंग। I always thought an artist had a place to paint in. And he said, nothing, I wait till the children are asleep and I put in a 200 candle power bulb and I paint. And that was my first introduction to the kind of life you can live and still paint. Aap tashreef rakhiye, ek aur sahab hain jo inko janti hain aur main unko daawat deta hoon. Please tashreef. Please aaiye, tashreef laiye. सरप्राइज़ है। यस
look, I had to come all the way to Delhi to meet you. Bagul ji, aap Hussain saab ko kab se jante hain? About 30 odd years. Aur aap Fazila ji ko bhi jante thi jo ji ji bhabhi ji was a very very dear friend of mine. People don't know, but wo bahut hi acha paint karti thi. Unko color sense itni achhi thi aur kabhi kisi ko apne paintings nahi dikhati thi. And I also remember one thing which was so touching about her. Once Hussain saab had made Yusuf saab's portrait. Do you remember? Dilip Kumar. 12 feet. 12 feet. Yeah, huge portrait. And it just rolled out like at her feet. And she was sitting there and she's eyeing. And then she just made a gesture and says, come here. And I went to her. She says, आप उनको कहिए ना ये हमें गिफ्ट कर दे। दिलीप साहब की तस्वीर जी। Because she was a great fan of Yusuf bhai. क्योंकि वो अक्सर कुछ पेंटिंग जो पसंद होती थी वो मुझसे छुपा के रख देती थी। इसलिए वो कहती नहीं कि अगर इनके सामने रहा तो ये भेज देंगे। जीना इसी का नाम है मैं बातें हो रही हैं हुसैन साहब से जिस चीज़ के लिए हुसैन साहब सबसे ज़्यादा मशहूर हैं उस एस्पेक्ट को टच करना भी बहुत ज़रूरी है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं देर ना हो जाए तो मैं उस एस्पेक्ट की जो है कुछ शुरुआत यहाँ से करता हूँ हुसैन तुम्हें याद होगा कि जब पहले तुमसे मुलाकात हुई थी वो रजा के स्टूडियो में हुई थी और ये लोग तो मम्मी छोड़ के भागे वगैरह वगैरह और तुम रह गए तुम्हारी वजह से एक माहौल बना जिसमें हम जो स्टूडेंट थे उनको काफ़ी प्रेरणा मिली काफ़ी एंकरेजमेंट मिला एंड वी वर ऑल डिस्कसिंग वी स्पेंड लॉट ऑफ डेज लॉट ऑफ इवनिंग टुगेदर डिस्कसिंग व्हाट आर्ट इज ऑल अबाउट और अपार्ट फ्रॉम आर्ट जो हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारी है जैसे तुम और हम और एक वो दिलीप पुरोहित करके लड़का था और गायतुंडे मुमताज की फिल्म में देखने ग्रैंड रोड सिनेमा जाया करते थे बड़ा मज़ा आता था जो बातें तैयब साहब ने पर्दे से की उन बातों को जो है आगे बढ़ाने के लिए हुसैन साहब के एक और साथी को एक और दोस्त को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर अरे बाप रे आयशा यू डिडंट नो आई वाज गोइंग टू बी हियर कृष्ण खन्ना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए कृष्ण खन्ना साहब खुद बहुत काबिल आर्टिस्ट तो हैं ही हुसैन साहब के बहुत जमानों के दोस्त भी हैं और हुसैन साहब की पेंटिंग से बखूबी वाकिफ भी हैं खन्ना साहब आपकी और हुसैन साहब की दोस्ती कब की है मेरा ख्याल 1950 मतलब 50 साल से ज़्यादा हो जी हाँ काफ़ी अरसा हुआ है जी हाँ बतौर दोस्त के कैसे रहे हैं हुसैन साहब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स इन्होंने मुझको यानी वो प्रोग्रेसिव पेंटर्स ग्रुप में इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया जैसे सूजा ने इनको किया था वो एक दौर चलता था वहाँ तो ये बम्बई में एक अजीब मौका था मुझे एक बात याद है कि मेरी इंटरव्यू कोई ले रहा था पंडोल गैलरी में ये साहब मेरे साथ ही बैठे थे तो वो आखिरी जवाब उन्होंने वो मेरे से चाहते थे कि भाई तुम्हारी पैदाइश कहाँ हुई तो मेरे मुंह से यानी कहने वाला था कि भाई लायलपुर पंजाब में गई तो मैंने वो बात भी नहीं कही ये कहे कि बम्बई में तो मैंने देखा कि बम्बई में द ओनली पार्ट ऑफ यू दैट मैटर्स लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉट्स टू से अबाउट व्हाट मैटर्स इन हुसैन साहब वी विल हियर सम ऑफ दिस हियर मकबूल आई एम इन दिल्ली आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन मुंबई वेयर आई मिस्ड यू बिकॉज All the memories of the 40s came to my mind when we met at Rajaram Studio elsewhere
we had formed the Progressive Artist Group, and of course, you and Souza were painters we esteemed most, and the city emerged after that with the most important movement of contemporary Indian art. Everyone knows about your work and how important you are for contemporary Indian painting. In your own words, you said, "Ghanimat maan is mil baithne ko, judai ki ghadi sir par khadi hai." God bless you. Raza sahab ne to Hussain sahab ko quote kiya ki bhai judai ki ghadi sir par khadi hai. लेकिन ये शो जो है ये जुदाई का नहीं, ये मिलने की घड़ियों का शो है. एक और साहब हुसैन साहब से मिलना चाहते हैं. मैंने कहा आज क्या हो गया, पैसा खोटा हो गया, लोटा उल्टा हो गया, आज ये क्या हो गया. और जूता बाटा हो गया. बाल चावड़ा साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और आपने ये जो राइम भी सुनाई इसका राज भी बतला दीजिए. इसका राज राजा को आपने देखा ना जी. हाँ, तो 1959 में हमने जो गैलरी आर्टिस्ट मिल के बनाई थी, तो वहाँ एक शो किया था इन लोगों का, तीन चार जने का. तो राजा वहाँ पेंटिंग कर रहा था, छोटे पेंटिंग कर रहा था, पेरिस से आया था. तो हुसैन और हम साथ में गए और देख रहे थे. तो हुसैन मुझे कहता है, अरे उसको पूछ कितना माल कितना रखेगा. प्राइस क्या प्राइस क्या रखेगा. तो मैंने हाँ मैं कब पूछा, तो क्योंकि वो पेरिस का जो अपने हिसाब है उसके लिहाज से उसने कहा 2000 अपने पेंटिंग का होगा. नाउ दिस इज 59 व्हेन ही वाज नॉट सेलिंग एट दैट सॉर्ट ऑफ प्राइस, यू नो, 2400 बट 4500. तो मैंने कहा क्यों क्या हो? अरे ये क्या समझता है, आई मीन हाउ कैन ही कीप सच अ प्राइस. नेक्स्ट डे ही कम्स विद 3 पेंटिंग्स इन एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड, और बोलता है ये तीनों पेंटिंग उस शो में रखेगा. मैं कहा हाँ. तो मैंने कहा इसका प्राइस क्या है, बोले 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया. तो जब एग्जीबिशन शुरू होने थी तो मैंने ये आके मुझे बोलता है नॉट फॉर सेल. वैसे प्राइस 5 रुपया लेकिन बिकनी नहीं, हमें मतलब है दिस इज द फीलिंग. लेकिन वो फीलिंग जो शुरू हुई थी वो आज देखिए क्या हो रहा है. जी जी जी. आई मीन ही इज ऑन द टॉप. एब्सोल्युटली. ये जो ये लोटा उल्टा होने जी, ये रात को पार्टी हुई थी ना साल के. हाँ, तो ये मैं कहना भूल गया, ये आया और आके जमीन पे बैठ गया और बैठ के फिर आज ये क्या हो गया, लोटा उल्टा हो गया, पैसा खोटा हो गया, अरे आज ये क्या हो गया. बिल्कुल, जो आजकल बॉलीवुड में जो लिरिक्स लिखे जाते हैं वैसे ही लिखे. पेशेंट वही कर रहे थे. चावड़ा साहब अब ये दिन आने वाले हैं. ये उल्टा हो गया आज ही क्या खंडाला. वेलकम बैक. हुसैन साहब से बातें हो रही हैं. एक फिल्म इंडस्ट्री की एक शख्सियत है जिनको हुसैन साहब ने कभी कभार देखा भी है, उनकी थोड़ी बहुत वाकफियत भी है उनसे, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है. प्लीज बात करें हुसैन साहब से. हेलो हुसैन जी. माधुरी जी, आपकी हुसैन साहब से मुलाकात सबसे पहले कब हुई थी? सबसे पहले एक स्टूडियो में हुई थी. वहां जब आपसे मिलने आए थे तो हैड ही कम टू ऑफर यू अ फिल्म? नहीं, ही हैड जस्ट कम टू मीट मी. अच्छा अच्छा अच्छा. और आई रिमेम्बर बीइंग अ लिटिल नर्वस बिकॉज़ ये तो बहुत बड़े जैसे वो खुद कहते हैं रंग वाले हैं. तो आई रिमेम्बर दैट मीटिंग.
I was shooting for Prem Granth. और वहाँ पे आए थे on the set with खालिद मोहम्मद जी. हुसैन जी, आपको याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह. वो याद नहीं है बल्कि ये पूरी सीन याद है. पूरा सीन याद है. और हुसैन साहब का कहना है कि आपकी एक फिल्म जो है उन्होंने करीब करीब 60 बार हाँ, 60 बार देखी. हाँ, जितनी जितनी मेरी उम्र है उतनी बार देखा हूँ. जब पहली बार इन्होंने कहा कि आपको ये फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं जी, एज द लीडिंग लेडी ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म, आपका क्या रिएक्शन था? वेल, मुझे याद है कि जब हुसैन जी आए थे ऑफर देके, तो उन्होंने पूरी स्केचेस में पूरी फिल्म बनाई थी ऑलरेडी. और जब मैंने स्केचेस देखे पहले, तो मेरे समझ में नहीं आई बात. तो मैंने बोला ये कैसी फिल्म है. और फिर मैंने उनका जब वो स्टोरी बोर्ड और सब देखा, तो आई रियलाइज कि फिल्म इज नॉट अबाउट कंटेंट, द फिल्म इज अबाउट आर्ट, इट्स अबाउट द फॉर्म. और मुझे ऐसे लगा कि एक अलग जॉनर होगा फिल्म का और एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक पेंटर एक फिल्म बना रहा है और उसकी दृष्टि क्या है फिल्म देखने की. तो दैट वॉज वेरी अपीलिंग फॉर मी. And how was the experience working with the painter who had become a director? You say it frankly. It was wonderful. क्योंकि उनको देखके ऐसे लगता है कि हमारे लिए भी कोई hope है. He is still so inspired. He is अलग-अलग चीजें करना चाहते हैं. और मैं चाहती हूँ कि जब मैं 84 हूँ, तो I should be like him. Well, we'll have to wait a long time for that. हम हुसैन साहब से भी पूछते हैं. Except I don't want the beard. That's it. अच्छा, एक चीज में हुसैन जी की मैं आज सीक्रेट बताने वाली हूँ. जी जरूर. हुसैन जी के स्वीट टूथ के बारे में. अच्छा. जब भी आई कम टू अमेरिका, ही ऑलवेज टेल्स मी मेरा चॉकलेट जरूर लेके आना. एंड हिज फेवरेट चॉकलेट इज फेरो रोशे. जी जी जी. हुसैन जी. जी. It's all ready here. When I come, I'm going to get it with me. हाँ, वो अभी अच्छा है आपने पूछ लिया. और हुसैन साहब, आपका तजुर्बा कैसा रहा माधुरी जी के साथ काम करने का? आप सुन रही हैं? आप सुन रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ. हाँ, अदा कान बंद कर लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ. अच्छा ठीक है, बंद कर लिए. अब मैं, जैसा आप कहती है ना, मैं कुछ भी कहूँगा आपके बारे में तो बायस होगा. तो वो अभी अच्छा छोड़िए, लेकिन मैं एक वो गालिब का एक लाइन बड़ी अच्छी है. वो कहते हैं कि मैं सुखन शनास हूँ, गालिब का तरफदार नहीं हूँ. तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि मैं एक फिल्म शनास हूँ, माधुरी का तरफदार नहीं हूँ. Okay. Thank you very much for talking to us from Los Angeles. Thank you. Thank you. Nice talking to all of you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sir, आपने फिल्म शनासी की बात की और यकीनन आप हैं उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक साहब हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ. आइए प्लीज, तशरीफ लाइए. रिकू जी, आदाब. रिकू जी लगते हैं बिल्कुल हीरो जैसे, लेकिन प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत नामवर हस्ती भी हैं. रिकू जी, आपका भी जाहिर है कि गजगामिनी से और हुसैन साहब से जो है कम से कम फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से बहुत रिश्ता रहा है. आपका एक्सपीरियंस कैसा था हुसैन साहब के साथ काम करने का? हुसैन जी से मुलाकात हुई 95 में फर्स्ट मेरी, और 5-6 महीने तो समझने में लगे हमको जी कि ये क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ. जी जी. और फिर मेरी फिल्म थी एक मोहब्बत, दुनिया में कि बहुत कम लोगों का मालूम है एक्टर इन द फिल्म. और रियली काम किया था उन्होंने एज ए पेंटर. वो पूरा एग्जीबिशन लगाया था, पूरा सीन था, पूरा सीक्वेंस था उसमें, जिसमें माधुरी जी को किडनैप कर ले जाता है. तो अब आपको उम्मीद है कि सिलसिला जो है हुसैन साहब की फिल्मों का अब एक या के बाद दीगर चलता ही रहेगा. मीनाक्षी में बिजी हैं संजय जी, सारे पिक्चर जी. इसके बाद फिर एक कॉमेडी फिल्म कुछ हम साथ में करने वाले हैं, चलता रहेगा सिलसिला. इसके बाद कॉमेडी, लेकिन जब मैं कॉमेडी बनाऊंगा
तो हो सकता है वो ट्रेजेडी हो जाए. ऑडियंस के लिए नाम भी मोदी क्या रखा? हाँ नाम उसका है ये प्यार होते होते रह गया. प्यार होते होते रह गया. तो शेखर आके सर एक आप यहाँ हैं हुसैन साहब, एक और शख्सियत है जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, पर्दे से आपसे कुछ बात कर रही हैं. I live in a house where I'm surrounded by your paintings, your sketches, your watercolors. There's also a portrait of mine, which I don't particularly like. I look more like Indira Gandhi than like myself. And I admire you because you've lived it entirely on your own terms. So for that, Hussain Saab, I salute you. And here's looking forward to what? I know you're young, but I'm not. Another 50 years of friendship. Ciao. शोभा जी तो आपसे वहाँ बात करती है, एक बहुत मशहूर पेंटर हैं और ख़ुद बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है पेंटिंग में की दुनिया में उनका, वो आपसे रूबरू मुलाकात करना चाहती हैं. मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं. ईला पाल साहिबा बहुत मशहूर पेंटर हैं खुद भी, और ईला जी ने जो है एक बड़ी अच्छी किताब हुसैन साहब पर लिखी है. ईला जी मैं आपसे बात करने ही वाला हूं, लेकिन हुसैन साहब यहां से भी बहुत लोग और बाहर से भी बहुत लोग बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए तीन चीज़ें. एक तो ये कि आपकी पेंटिंग्स में और आपके अक्सर पोर्ट्रेट इसमें पेंटिंग्स में बहुत सारे घोड़ों का क्या दखल है, दूसरा ये कि आप खुले पैरों से क्यों घूमते हैं, और तीसरा ये कि आप ये डराने वाली छड़ी नुमा पेंट ब्रश लेके क्यों घूमते हैं. ये तीनों चीज़ों का सवाल आप देते हैं और फिर इला जी से बातें भी करते हैं. घोड़े घोड़े तो भाई बहुत ही खूबसूरत जानवर है जी जी. तो और फिर ये भी होता है कि घोड़े की जो पेंटिंग है, जो पेंटिंग में ज़्यादा इनिशिएशन नहीं है उनका, तो वो फौरन घोड़ा पसंद कर लेते हैं. ये किस्म का ये मेरा जैसे फिल्म के अंदर प्रोमो है, ये प्रोमो है. वो तो क्वेश्चन नंबर वन हुआ सर. अब क्वेश्चन नंबर टू. मेरे जो पैर, मैं अक्सर छोटी बस्तियों में ढाबों में जाने के बड़ा शौक़ है, तो वहाँ जब जूते नहीं जाता हूँ तो मेरी अच्छी हवागत होती है. उसी को समझते हैं हमारे ही आदमी है, ये फायदा है. लेकिन जब किसी अच्छे किसी बड़े उसके बिल्डिंग में किसी हायर सोसाइटी वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ जो चौकीदार कहता है ये यहाँ से नहीं जाइए, वो जो सर्वेंट्स के लिप्स हैं वहाँ से जाइए. तो वो एक किस्म जो ईगो जो वो मेरे ईगो को तरह से ठेस लगती है, वो अच्छा है जी जी. और सर वो पेंट ब्रश की एक्सप्लेनेशन बाकी रही. हाँ पेंट ब्रश की ये है कि ये अब जैसे पहले वक्तों में मुंशी जो हुआ करते थे वो कलम अपना कान में रखते थे, अब ये ब्रश मैं कान में तो नहीं रख सकता, एक लेके फिरता हूँ. तो इसको कहते हैं छड़ी, और ये गुल छड़ी भी है जी, गुल भी खिलाती है. कई गुल ऐसे खिले होंगे जिनकी याददाश्त आपको भी है. मैं अस्पताल में मेरा बेटा हुआ था तो मैं वहाँ थी, तो मीना कुमारी उस समय अस्पताल में थी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई. तो मैंने कहा कि हुसैन साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो कहते हैं हाँ ज़रूर आइए. अब उन्होंने तो सोच लिया था कि आज हुसैन साहब को तो बिल्कुल शिकार करके छोड़ना है, कुछ भी हो जाए. तो बीमार होने के बावजूद उनकी वही अदा, बाल उन्होंने उस दिन खुले, आँखों में वही काजल, हुसैन साहब सामने बैठे, पान खिलाने के लिए उन्होंने पानदान खोला, हुसैन साहब की इमाम के साथ के इमाम के बगैर कुछ नहीं बोले. उन्होंने किमाम के साथ उनको पान खिला दिया, जो वो बोलती रही लेकिन एक शब्द नहीं बोले वो. फिर नीचे आए तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने ये क्या हुसैन साहब एक शब्द नहीं निकाला आपने जबान से. फिर जाके थूक के आए, कहते क्या करूं, कंबक ने इस निगाह से देखा कि मेरी तो जबान ही कट गई. वेलकम बैक. हुसैन साहब से बातें हो रही हैं. हुसैन साहब एक और साहिबा हैं जो बहुत मशहूर हैं, बहुत काबिल हैं,
बहुत पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। प्लीज आइए। आप शायद जानते नहीं हैं मैं कि मैं आपको गुरु मानती हूँ। आपकी जान पहचान हुसैन साहब से कब की है? अरे वो मैं बताऊं तो आपको पता चल रहा है कि मेरी उम्र भी क्या है। नहीं नहीं आप मैं तो बूढ़ी होते जा रही हूँ और हुसैन साहब जवान होते जा रहे हैं। मैं तो शायद 18 साल की थी। वो पहली बार मैं ट्रेन में अकेली जा रही थी तो स्टेशन में आए थे, तो मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ यू ऑल्सो कम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो बस ट्रेन में बैठ गए। बम्बई पहुँचे तो दूसरे दिन मैं एक कोई जनरल साहब के घर रह रही थी। तो सुबह आया हुसैन साहब, एक खटारा फियर था उनके पास, याद है? तो वहाँ सेंट्री ने उनको रोका, बोला क्या है? तो बोली अंजलि बेबी को लेने आया हूँ मैं, ड्राइवर हूँ। तो सेंट्री ने बोला अंजलि बेबी की ड्राइवर आ गए। तो मैं नीचे आया, बहुत मुझे शर्म आया था कि ऐसे हो गया था। हुसैन साहब, आपके एक जानने वाले हैं, आपकी बहुत सारी आदतों से भी वाकिफ़ हैं और वो एक मैसेज आपको इस पर्दे से दे रहे हैं और एक माहौल के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। एमएफ, आपको निज़ामुद्दीन के इस चाय खाने में चाय पीना बेहद पसंद है। हिंदुस्तान में और बाहर भी हर बड़े शहर में आपका एक ख़ास चाय वाला मौजूद है, वो निज़ामुद्दीन की ये जगह हो या फिर कलकत्ते का सरदार का ढाबा हो या हैदराबाद हो, मुंबई हो, वाराणसी हो या फिर लंदन का शेफर्ड मार्केट हो। और आज भी किसी भी वक्त गर्मा गर्म चाय का एक गिलास और एक रूखी रोटी आपके लिए एक कम्प्लीट मील का काम करती है। हुसैन साहब, चाय पीने का वक्त हो या ना हो, कामना जी से मिलने का वक्त जरूर है। कामना जी प्लीज तशरीफ लाइए। थैंक यू कामना जी, आप उस चाय वाले के ढाबे से सीधा यहाँ चली आई, बड़ा कर्म फरमाया आपने। आप हुसैन साहब को मतलब चाय के ढाबों की इनकी जो इंटरेस्ट है इनका, उसके अलावा एक ढाबे का इंटरेस्ट इनका बताते हैं कि हम लोग दातागंज बख्श की दरबार में गए जी, तो एमएफ ने कहा कि आप तुम हाजिरी दे आओ, हम यहाँ बैठ के ढाबे में चाय पी लेते हैं। तो हम अंदर चले गए, वापस हाजिरी लगा के जो वापस हुए तो देखते हैं कि एक बुजुर्ग सी औरत इनकी कोशिश कर रही है कि 2 रुपए इनके हाथ में दे दें और दरख्वास्त कर रही है कि बाबा हमारे लिए दुआ कीजिए। सो हुसैन अवाक बिल्कुल, बिकॉज वो इनको कोई पहुंचा हुआ फ़कीर समझ बैठी थी, बरहना पा नूरानी चेहरा, तो यू नो ये चलता रहा। तो फिर खैर मैंने भी कहा कि मेरे लिए भी कुछ दुआ कीजिए, वो अभी तक नामंजूर है। आपने 2 रुपए दिए थे इनको? नहीं तो फिर ऐसे ये गलती हो गई बस, बाकी तो ठीक रहता। आप प्लीज़ फिलहाल यहाँ तशरीफ, प्लीज़ तशरीफ लाइए। आइए राजदा जी, और अंजुम जी आप भी तशरीफ लाइए। राजदा जी, बहुत कम लोग हुसैन साहब को उतना जानते हैं जितना आप जानती हैं। हुसैन साहब की क्या ऐसी पर्सनल खासियतें हैं जिनके बारे में आप जानती हैं और हम नहीं जानते? बहुत इमोशनल हैं हुसैन साहब जी, जो कि हमने देखा है उनको एक बार मदर टेरेसा को मिलने गए, उनकी इमेज जो इटर्नल मदर की इमेज और दूसरी उनकी प्रेजेंस, इतने ओवरवेल्म हो गए हमें सेंस ऑफ इमोशन से कि वो जो तूफान बरसों का रुका हुआ था वो आंसुओं के ज़रिए रुका नहीं, बह गया। सॉरी, एक चीज़ और है, जहाँ पर इनको खुली दीवारें जो होती हैं ना सफ़ेद, वो बहुत टेम्प्ट करती हैं।
एक बार इंदौर के इनके एक बचपन के दोस्त थे, उनको मेरे ख्याल से 70 साल के बाद मिले थे। उनके घर गए तो सामने खाली दीवार थी, एकदम सफ़ेद और खाली बड़ी दीवार। पेन तो होता है इनके पास, उसके बाद उस दीवार पर घोड़े दौड़ने लगे। थोड़ी देर में इनके दोस्त की बीवी ने उनको अपनी मियाँ को अंदर बुलाया, ज़ोर से आवाज़ दे के वो अंदर गए। तो जब अंदर गए तो बड़ी ज़ोर से आवाज़, खर छोटा था, उन्होंने डांटा कि अभी अभी पुताई कराइए और तुम्हारे दोस्त ने दीवार ख़राब करी, तुमने मना भी नहीं किया। अपनी समान अपनी आत्मकथा लिखी है हुसैन साहब ने और बहुत अच्छी लिखी है। उसका उसका टाइटल बड़ा वैसा है, फिल्मी है, लंबा। वो क्या टाइटल है? कि दादा की उंगली पकड़े एक लड़का, माँ दे गई नाम मकबूल और बने फिरते हैं एम एफ हुसैन। दादा की उंगली पकड़े हुए एक लड़का, माँ दे गई नाम मकबूल, बने फिरते हैं एम एफ हुसैन और खाते हैं हमारा दिया हुआ केक। आइए 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 प्लीज। हुसैन साहब की वालदा ने जब उनका नाम मकबूल रखा, जाने अनजाने एक ज़बरदस्त किस्म की पेशन गोई की, भविष्यवाणी की, कि वाकई मकबूल फिदा हुसैन एक इतनी मकबूल, एक इतनी जानी मानी, एक इतनी पसंदीदा शख्सियत है आज कला की दुनिया में कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ऐसी ज़िंदगी को देखकर वाकई जी कहता है जीना इसी का नाम है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।